वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू व्लॉग। आज कल का वीडियो मैं ख़त्म करके मतलब आज ही मैं एंड की, तो आज से नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ, नहा के आके ही सूट की, उसके बाद अभी चलो पूजा देंगे। पूजा मतलब इन द सेंस थोड़ा भगवान का नाम लेंगे, लेने के बाद फीलिंग ऑकवर्ड, मतलब कोई देख तो नहीं रहा, मैं देख रही हूँ। तो चलो जाके अभी थोड़ा पूजा वूजा देंगे, देन थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट अभी टाइम भी बहुत हो गया है, ब्रेकफास्ट मैं अभी तक नहीं की हूँ। तो चलो ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट होता है, तो अब देखते रहो, ज़रूर देखना ब्लॉग को। और आप बहुत लोग ऐसे हो मतलब ब्लॉग देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ठीक है, मतलब आप लोगों को अच्छा नहीं लगता इसीलिए नहीं करते हो, पर प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। जैसे सब लोग का आप सपोर्ट करते हो, मुझे भी प्लीज़ सपोर्ट करना। तो चलो आज एक मैं सोची हूँ एक सूट भी करूँगी, वाटर ट्रांजिशन। हाँ मतलब थोड़ा ट्रेंड में चल रहा था, अभी भी चल रहा है पर थोड़ा कम हो गया है ट्रेंडिंग। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी करूँगी करके, डर भी लग रहा है उसमें मतलब पानी से था, तो आज सोची हूँ मैं वो सूट करूँगी। तो जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, चलो देखते हैं। मैं हर दिन भगवान के पास अगरबत्ती जलाती हूँ और मैं हर दिन भगवान का नाम लेती हूँ, क्योंकि मैं दीक्षा ली हूँ इसीलिए मैं हर दिन भगवान का नाम लेती हूँ। और मैं आप सबको भी बोलूँगी मतलब कम से कम हर दिन आप भगवान के पास एक अगरबत्ती जला के भगवान को थोड़ा प्रेयर करो, इससे मन की शांति भी होती है, सब कुछ अच्छा लगता है। मतलब हर दिन के स्ट्रेस के बाद आप जब पूजा घर पे जाते हो, भगवान के पास थोड़ा बैठते हो, तो मन को बहुत ही सुकून और शांति सब कुछ मिलता है। तो मैं हर दिन ये करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। जो गाच को उठो बोलते हैं ना हमारे बंगाली में, गाच को उठो वो है, इसके अंदर सिंदूर रहता है, इसके अंदर मुंह है एक। तो ये है, यहाँ पर मेरा और सौभिक का नाम लिखा है और यहाँ पर मैं और सौभिक कस्टमाइज है। अभी मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अभी मैं जाके घर पे जो जो भगवान है फ़ोटो टंगवाए गए हैं वहाँ पर सभी को अगरबत्ती दिखा दूँगी। देन नीचे हमारा जो तुलसी मंदिर है वहाँ पर माथा टेक के अगरबत्ती देख के देन मैं चली जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि अभी तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट में है रोटी एंड सब्जी, मिक्स्ड सब्जी। हेलो गाइस, रेडी हो गई हूँ सूट के लिए, मतलब सूट एक करूँगी सोची थी, बोल रही थी वाटर ट्रांजिशन वाला सूट। तो अभी सभी सेटअप रेडी कर ली हूँ, तो फास्ट फॉर्ड पहले सूट करूँगी, देखते हैं कैसे क्या होता है। बहुत नर्वस भी हूँ, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, तो या चलो देखते हैं। वाटर ट्रांजिशन अभी जस्ट ख़त्म की, मतलब हम देख सकते हो गीला है, वेट हो गया है मुँह, तो बहुत ही एफर्ट लगाए हैं, पता नहीं मतलब प्रोफेशनली मतलब कितना क्या परफेक्शन आया है मेरे वीडियो में, आप तो देख ही पाओगे, पर मुझे बहुत ही एफर्ट लगा है इस वीडियो के
पहले प्लीज मतलब सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना मेरे एफर्ट के लिए। तो देखते हैं कितना क्या अच्छा मतलब आउटपुट आता है। देख सकते हो मतलब मुँह पूरा गीला हो गया, मतलब मेकअप भी पूरा मेल्ट हो गया है। तो चलो देखते हैं कितना क्या आता है। पार्सल आया है अभी और एक ठो आएगा, बड़ी भाभी और छोटी भाभी का पास पास ही था एनिवर्सरी, तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ मंगवाई हूँ, दोनों के लिए ड्रेस मंगवाई थी। तो एक अभी आ गया है और एक ठो बाकी है, दोनों आ जाने के बाद एक साथ दूंगी दोनों को गिफ्ट एनिवर्सरी का। आज लंच में पूरा सिंपल मेन्यू है, स्टीम राइस, परवल फ्राई, चचरी और दाल। पापा ये आम लाए हैं, देखो कितना बड़ा, मतलब मेरे हाथ से भी बड़ा है ये। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ मैगी बनाने, शाम का टिफिन। पाखी भी है मेरे साथ, तो पाखी भी बोली खाएगी घर के, तो चलो मैगी बना लेते हैं। नॉर्मली कुछ भी नहीं, नॉर्मल नहीं, थोड़ा स्पेशल तरीके से मैगी बनाऊंगी। चलो धीरे धीरे आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं थोड़ा टमाटर प्याज ये सब देख के मैगी अच्छा लगता है, मतलब मैं जब के जल्दी जल्दी में होती हूँ तभी मैं नॉर्मली बना देती हूँ, मतलब मसाला डाल के गर्म पानी दे के बना देती हूँ। पर जब भी मन होता है ना एक एक दिन कि अच्छा अच्छे से बना के खाऊँ, अच्छा लगता है, थोड़ा चटपटा खाने का मन होता है, तो उस दिन मैं थोड़ा टमाटर प्याज ग्रीन चिली, मतलब थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, मुझे तो स्पाइसी बहुत पसंद है इसीलिए स्पाइसेस के लिए थोड़ा मैं ग्रीन चिली को चॉप्ड करके देती हूँ। तो मैं आज वैसे टाइप का ही बनाऊँगी, थोड़ा स्पेशल तरीके से। तो चलो आपके साथ शेयर करूँगी, पर एग नहीं दूँगी, एग खाने का मन नहीं है। तो चलो आपके साथ मैं चॉपिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्रोसेसिंग। मुझे पता है आप लोगों को सभी को मैगी बनाना आता है, पर मैं किस तरह का मैगी खाती हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी नहीं है ये, कुछ रेसिपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मैं किस तरह खाती हूँ और बहुत टेस्टी होता है तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने चॉप्ड कर लिया है, कैसे कढ़ाई है अभी मैं बनाऊंगी। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें अभी हम चिली डाल लेंगे। प्याज भी डाल देते हैं इसमें। तो थोड़ा चला लेंगे, चलाने के बाद टमाटर देंगे। देखिए यहाँ पर प्याज थोड़ा सॉटे कर रही हूँ मैं, देन इसके ऊपर हम हो जाने के बाद टमाटर दे देंगे। इसके अंदर हम देंगे टमाटर, इसके ऊपर हम थोड़ा देंगे सॉल्ट, हम देंगे सॉल्ट, अंदर हम दे देंगे पानी। सभी प्रोसीड्यूर तो आप देख ही चुके हैं, मैं सब बता भी दी हूँ। लास्टली गरम पानी में मैगी देके थोड़ा बॉइल्ड होने देंगे, देन हमारा मैगी रेडी है। यहाँ पर दे दूंगी टेस्ट मेकर, अच्छे से मिला लेंगे मैगी को। सो यम्मी, डिलीशियस लग रहा है दिखने में। वाओ, तो ये रहा मैगी, हमारा स्पेशल मैगी। हेलो क्या मन? हेलो हेलो जब हमारा वीडियो ना ना वो भी খে বল কেমন আছে? এভরিওয়ান,
तो मैंने कल वीडियो को मतलब ख़त्म नहीं कर पाई थी। कल हमारे घर पे एक्चुअली थोड़ा काम चल रहा है तो बहुत ही नॉइज़ आ रहा है, स्टील का काम चल रहा है, सो मैं ख़त्म नहीं कर पाई थी कल वीडियो को, तो आज मैं एंड कर रही हूँ वीडियो। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मतलब अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे ट्यून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।